अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर उकती और आप देख रहे हैं फ्लैट राय डेवलपर। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सबको फंक्शन और रिजल्ट पे बनाएंगे। उसका मतलब ये, इसका फ़ायदा हमें ये होगा जब भी हम कोई चीज़ चेंज करेंगे तो सारों में वो चेंज हो जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बटन की दिखाई थी कि हम जब एक कलर चेंज कर रहे हैं तो सारे कलर चेंज हो रहे थे। तो दोस्तों, चलिए इनको फंक्शन और विजिट में बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइनअप है। तो ये यहाँ पे हमने साइनअप करना है, तो अभी फ़िलहाल इसको लॉग आउट का बटन बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इसका होम होम के ऊपर ये मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या बनाना है, अभी हमने इसको बनाना है लॉग आउट का बटन चेकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको चेकिंग के लिए लॉग आउट बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा साइन आउट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमारा हो गया है साइन आउट और ये होम पेज पे आ गया है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, सारे विजिट और फंक्शन में बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉग इन की तरफ। तो लॉग इन में आपको मैं एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, हम बटन का कोई कलर चेंज करते हैं तो कलर खुद चेंज हो जाएगा सबका। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने कलर को, जो पहले वाला कलर आया उसको आपने कमेंट करना है और उसके नीचे आपने क्या लिखना है, कलर। तो उसका कलर क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी ब्लैक हुआ है और इसका भी, सिर्फ एक ही जो है कोड लाइन से। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही करने वाले हैं इसी ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों, इसको फंक्शन और विजिट में तब्दील करते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है सारे टैक्स फॉर्म फील। तो इसे सेंटर से आप इसको जो है कमांड करें और इसको यहाँ से कॉपी करें। तो कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे बनाए विजिट, विजिट का एक बनाए और यहाँ पे लिखें बिल्ट ऑल टैक्स फॉर्म फील फील क्लैस। यहाँ पर आपने क्या करना है, खाली इसको रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न कर देने के बाद आपने जाके ये फंक्शन सेम वहाँ पे कॉल कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आके आपने सिंपल ये सारे कोड लाइन आपने यहाँ से मिटा देना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फील पूरा हो गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अब हमें करना चाहिए बिल्ट जो है बटन पार्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं विजेट, विजेट स्लैश बिल्ट बटन पार्ट। तो यहाँ पर हमारा हो गया बटन का पार्ट। तो यहाँ पर आपको अल्फाज भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ये जाके वहाँ पे सीधा कॉल कर देना है। तो कहाँ पे है ये था यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको भी कोई फर्क नहीं, नज़र नहीं आएगा, देखो नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारा आएगा है अकाउंट और नॉट। तो यहाँ पर आप इसे कट करें और यहाँ पे लिखें विजिट स्लैश हैव अकाउंट और नॉट पार्ट। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिटर्न। तो दोस्तों, रिटर्न करने के बाद आपको जाके ये फंक्शन वहाँ पे दोबारा कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके इसे कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सारा हो गया डन। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया डन। तो इसके बाद हमने क्या आना, कहाँ पे आना है, साइनअप पे आना है। तो साइनअप पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले ये है, सबसे पहले आपने ये सारा कुछ जो है कट कर देना है। तो इसे जाके आपने यहाँ से कट कर देना है, सॉरी और मेरे ख्याल में उस तरफ चले गए थे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सारा का सारा आपने यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया और यहाँ पर आके इसका फंक्शन अलग से बना लिया। तो यहाँ पर हमने इसका फंक्शन अलग से बना लिया है ऑल टैक्स फॉर्म फील, टैक्स फॉर्म फील। तो ये हमने बना दिया है, थोड़े स्पेलिंग स्पेलिंग खराब है,
यहाँ पे स्पेलिंग भी सही करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्पेलिंग भी सही कर देना है। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट अलाउड है, तो यहाँ पर मुझे टाइम भी बचाना है, तो दोस्तों ये हमने कर दिया है। तो यहाँ पर आपको सीधा ये जाके यहाँ पे आपको कॉल कर देने हैं। तो ये हमारा हो गया है, तो देख रहे हो कोई डिजाइनिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं विजेट विजेट स्लैश बेल्ट बटन पार्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने बटन का पार्ट भी देना है, तो यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न। ये कह रहा है फंक्शन आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर विजेट पे रिटर्न कर देना है जा, तो ये हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद हमने आके यहाँ पर इसको कॉल भी किया है, तो बटन आ गया है। तो ये भी सेम है, आई हैव अकाउंट और नॉट विजेट स्लैश बेल्ट हैव अकाउंट और नॉट पार्ट। तो यहाँ पर आपने क्या कह रहे हैं आपको चेक करें, यहाँ पे हमने रिटर्न लाजमी दे देना है। तो दी रिजेक्ट बट देर इज नॉट रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने रिटर्न का स्टेटमेंट देना चाहिए। जब ये सारे कोड एग्जस्ट हो तो ये कोड ये इस विजेट पे जाएगा। तो ये विजेट आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो दोस्तों अभी देखो हमारा कोड चिक्का बहुत ज़्यादा साफ हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप बंद करके देख सकते हैं कि हमारा कोड फुल साफ हो चुका है। अभी जब भी कोई हमें कहेगा कि आप यहाँ पर जाओ यहाँ पे लॉगिन है, तो यहाँ पे जाके साइनअप पे जाओ, तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है अकाउंट और नॉट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस फंक्शन को ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है, लेकिन होम पेज का अभी तक हमने नहीं किया है। तो होम पेज का सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, होम पेज को जो है यहाँ पे कॉल कर देते हैं, इसको 2 मिनट के लिए बंद करते हैं। तो इस पर बंद करते हैं, यहाँ पे होम पेज को कॉल करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है तो वो टॉपिक कवर करेंगे। तो थोड़ा स्टेट फुल है, तो स्टेट लेस है, तो इन दोनों का जो है अच्छा खासा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक दफ़ा रजिस्टर कर देना है। तो रजिस्टर करने के बाद इन सारे होम पेज पे आएगा, देखो ये आ गया है। तो होम पेज पे अभी हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें क्या बनाना है, ये हमारा टॉप पार्ट। तो दोस्तों विजेट बिल्ड टॉप पार्ट, ये हमारा टॉप पार्ट, यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं विजिट स्लैश बिल टॉप पार्ट, तो ये हमने बना दिया है। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट का ले रहा है, तो आपने यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देना है। तो यहाँ पर ये फंक्शन अभी यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे कॉल कर देते हैं, तो उसे यहाँ पे कॉल कर देते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। तो हमने ये लिख लिया लिया और कोई चेंज भी नहीं आया है। तो दोस्तों इसके बाद आपने ये कंटेनर देखना है, तो ये यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ये कट करना है और यहाँ पे आके आपने विजेट बेल्ट स्लैश बेल्ट बॉटम पार्ट। आपसे मजीद भी तो खुला टुकड़ों में बांट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो आप इसे बहुत से टुकड़ों में बांट और भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप करते हैं या नहीं। मैं तो यहाँ पर आपने आके इस फंक्शन को कॉल कर देना है और कॉन्टेक्ट यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कोड साफ, लेकिन और भी आप साफ कर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने ये खाली ये आपने फीचर प्रोडक्ट लिखना है ये कट करके, और ये लिखना है कैटागोरी। तो यहाँ पर आप इसे कट करके कैटागोरी बना सकते हैं, विजिट स्लैश बेल्ट कैटागोरी पार्ट, कैटागोरी पार्ट। तो यहाँ पर मैंने भी बना दिया है। तो यहाँ पर आपने जाके इस फंक्शन को भी वहाँ पे कॉल कर देना है। तो वहाँ पे हमने कॉल करना था यहाँ पे, तो
तो इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा रिजेक्ट स्लैश, तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया, तो इसकी वजह वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक्सपायर्ड है फिर भी ये नहीं आया, ये नहीं है सब सारी, ये है तो ये कंटेनर यहाँ पर निकाल के ये नहीं आ रहा, तो इसे ब्रेक करके चेक करते हैं कि हमने क्या उसके किए। रोलिंग हो रहा है, ये आ गया है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर में यहाँ पे किया था, इस पे हाइट नहीं, हाइट तो था लेकिन हम इसे यहाँ पे कट करते हैं, फिर हम से मारते हैं, फिर से चेक करते हैं मुझे स्लैश बिल्ड कैटेगरी और तो यहाँ पे हमने कि कॉल कर देना है, फिर चेक करते हैं लेकिन नहीं ये नहीं आ रहा है, इसका मसला जो है वो आपको बता देते हैं, अटेंड करें और इसको थोड़ा हाइट दे दे दें, फिर देखते हैं। नहीं दोस्तों ये भी फंक्शन पे नहीं आ रहा है, तो आपने इसे पहले के पहला रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगल चार्ज स्क्रू नहीं लगा है, तो इसके बारे से नहीं हो रहा है, तो आपने ये कट करना है, इसका जो है पार्ट आपने यहाँ से कट कर देना है, तो इसको भी जेट बनाते हैं, फिर देखते हैं विजेट स्लैश बेल्ट फीचर प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये हमने बना लिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो ये भी कॉन्टैक्ट मांग रहा है, तो कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, तो ये फंक्शन यहाँ पे सीधा के है, इसके बाद आपने यहाँ पे कॉल कर देना है, तो यहाँ पर भी देखते हैं ये सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों सारे अभी हमने फंक्शन और विजिट पे कर दिए हैं, फंक्शन अभी हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इसको जो है फंक्शन बोलते हैं, अब इसको फंक्शन बोलते हैं जो यहाँ पे जंतर बटन वगैरह हैं, इसको हम विजिट कहते हैं, ये हमारे कस्टम विजिट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया पूरा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे थोड़ा आपको कुछ और भी बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये खोल देना है, तो ये काट देना है, तो अभी ये आगा हमारा लॉगिन पेज पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आके यहाँ पे आपने लिखना है स्नैक स्नैक बार थीम SNA स्नैक बार, यहाँ पे आपने लिखना है, इस पर क्लिक करना है, ये हटा देना है थीम डेटा, इसका जो कलर कलर होगा वो टेक्स्ट का वो होगा हमारा वाइट, और जो हमारा इसका बैकग्राउंड होगा वो होगा हमारा थीम थीम डॉट ऑफ डॉन फैमिली कलर। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर, लेकिन प्राइमरी कलर क्या है, तो ये हमारा हो गया ब्लू, लेकिन यहाँ पे ब्लू नहीं आना था, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों अभी इस पर क्लिक करते हैं, ये सही हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो पे एक नए टॉपिक पे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, तो मिलते हैं कल की वीडियो पे, बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, कमेंट पे आप लिखें हैशटैग साबिर भुट्टी, तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो पे।